एक्शन। ठीक कहती हो तुम, मैं तो बस तुम सब लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार हूं। किसी की लाइफ में कुछ भी गलत हो जाए तो वजह मैं ही हूं। मेरा छोटा भाई अब तक बेरोजगार बैठा है तो मेरी गलती। मेरी बहन इकरार बिना किसी को बताए घर से भाग जाती है तो वो भी मेरी गलती। मतलब हर बुरे काम और उसके परिणाम का जो ठीक रहा है वो आकर मेरे सर पे फूट जाता है। पूछ सकता हूँ क्यों? क्या कसूर है मेरा? सुबह से लेकर शाम तक मशीनों की तरह काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि रात को जब घर पे आऊंगा तो कोई प्यार से तो बातें करेगा, पूछेगा कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन यहाँ तो कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। जिसे देखो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है, जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है। क्या ही कमाई है मेरे इतने सालों की? आज मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है, कौन हूँ मैं? एक नोट छापने वाली मशीन या फिर एक रबड़ का स्टैंप जिसकी जरूरत पड़ी तो थप्पा लगा लिया बस? आखिर मेरा वजूद क्या है? मेरे होने या नहीं होने से किसी को फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब मैं देर रात तक घर नहीं लौटता? नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सबके सब हार मास के पुतले हैं।